नमस्कार मित्रों, रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रामचंद्र जी ने रावण की, मेघनाद की, इन सब की पूरी कथाएं सुनी। फिर वो अगस्त मुनि से एक प्रश्न करते हैं, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो ये कहते हैं कि राजो वा राजमात्रो वा किम तदा नात्र कश्चन घर्षणम यत्र न प्राप्तो रावणो राक्षसेश्वर। अरे भाई, उस समय में कोई भी राजा या कोई राजा का सेनापति कोई ऐसा नहीं था कि जिससे रावण को पराजित होने का नंबर आया हो, या जिसके सामने ये रावण जो है ना कभी अपमानित हुआ हो। मतलब आपने जितनी कथाएं सुनाई, रावण विजयी हुआ, रावण विजयी हुआ, वही सारी कथाएं आपने सुनाई हैं। जब राम ने ये पूछा तो अगस्त मुनि कहते हैं कि माहिष्मती नाम की एक नगरी, और रावण वहाँ जा करके पहुँच गया माहिष्मती नगरी विजय करते करते। वहाँ जा करके अर्जुन नाम के राजा वहाँ राज्य किया करते थे। सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन की ये कथा है। तो अर्जुन नाम के राजा वहाँ राज्य किया करते थे। रावण ने जाकर के उनको ललकारा कि भाई युद्ध दो, हय वंशी, ये अति बलवान राजा तो वहाँ पे था नहीं। तो नगर में उनके जो मंत्री वगैरह थे, उन्होंने कहा अर्जुनो नर्मदाम रंतुम गता स्त्री भी सहेश्वर। भाई हमारे महाराज तो इस समय नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए अपनी पत्नी और मित्रों के साथ गए हुए हैं, इसलिए वो तो यहाँ नहीं है। उनसे युद्ध करना है तो या तो वहाँ चले जाओ या फिर आप राह देखो। लेकिन जब युद्ध के लिए निकला हुआ, विजय के लिए निकला हुआ व्यक्ति है ना, उसको तो शांति नहीं होती है। तो रावण वहाँ से नर्मदा जहाँ से निकलती विंध्याचल पर्वत पर जा करके पहुँच गया है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा अपश्यद रावणो विंध्यम आलिखंत मिवाम्बर। उसने विंध्याचल पर्वत को इस प्रकार से देखा है जैसे कि आकाश को वो टच करने के लिए ऊपर उठता ही चला जा रहा है, ऐसा विशाल का विंध्याचल पर्वत देखा है। उस विंध्याचल पर्वत में से जो नर्मदा नदी बहती हैं, उस पूरे दृश्य को देख करके रावण को अत्यंत आनंद हुआ। उसने वहाँ नर्मदा में खूब स्नान किया है। स्नान करते करते उसको ऐसी इच्छा हुई कि भाई स्नान करने के बाद मुझे शिव की पूजा करनी है, यहाँ मैं शिव की पूजा करूँगा। और खूब अपने मंत्रियों के साथ, सबके साथ राजा ने, रावण ने पहले तो अच्छी तरीके से स्नान किया, और स्नान पूरा होने के बाद मंत्रियों को आज्ञा दी भाई फूल सब एकत्रित किए जाएं, पुष्पोपहारम शनक ही करिष्यामी कपर्तिना, मुझे यहाँ शिव का जो है अभिषेक करना है, पुष्पाभिषेक करना है। तो बहुत सारे फूल रावण के मंत्रियों ने सबने एकत्रित कर दिए। अब रावण उस भूमि को ढूंढ रहा है कि जहाँ पे शिव की स्थापना की जाए और जहाँ पर आराम से शिव की वंदना की जाए, उनको जो पुष्पाभिषेक करना है उसको किया जाए। तो जाम्बू नदमयम लिंगम तत्र तत्रस्मनीयते। अब वो सोने का शिवलिंग है, उसको लेकर के और मंत्रियों के साथ में यहाँ वहाँ घूम रहा है कि जो उत्तम जगह हो। देखिए, कहीं भी मूर्ति की स्थापना नहीं हो सकती है। रावण वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, सभी जानते हैं कि चार वेद छह शास्त्र सभी उसको मालूम थे। तो फिर जब उत्तम जगह उसको दिखाई दी है तो बालुका वेदी मध्ये तु तल्लिंगम स्थाप्य रावण, बालू की वेदी बना करके उस पे रावण ने उस शिवलिंग को स्थापित किया। और उस शिवलिंग को स्थापित करके गंधैश्चे पुष्पैश्चा मृत गंध भी अर्चयामास। रावण ने गंध, पुष्प और जो कुछ विधि विधान से उसने उसकी अर्चना शुरू। अभी तो रावण ने वो अर्चना शुरू ही की थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नदी के पानी के पास में। बराबर पहले ही वर्णन किया है कि नदी के बाहर जहाँ रेती थी, उस रेती में उस शिवलिंग की स्थापना की थी और उसने पूजा शुरू की। पुष्पोपहारम कुरते तस्मात देशात अदूरतः, जहाँ वो रावण ये पुष्पाभिषेक कर रहा था उसी से थोड़ी दूर वो जो सहस्त्रबाहु अर्जुन है वो अपनी रानियों के साथ में आनंद कर रहा था। उसने वहाँ पे नर्मदा नदी के प्रवाह में अपनी रानियों के साथ में, जैसे कोई विशाल काय हाथी बहुत सारी हथियों के साथ में रमण कर रहा हो, इस प्रकार से अपनी जल क्रीड़ाएं कर रहा था। इधर सहस्रबाहु को ऐसा लगा कि ये नर्मदा का प्रवाह वैसे तो बड़ा तीव्र है, लेकिन क्या मैं अपनी भुजाओं से इसको रोक सकता हूँ? तो उसने पूरे नर्मदा नदी के प्रवाह को अपने हाथों से, इस प्रकार से 1000 हाथ है, 500 एक तरफ, 500 एक तरफ, विशाल का शरीर। भाई जब 500 500 1000 हाथ किसी के शरीर में होंगे तो उसके कंधे भी कैसे होंगे?
तो उसने अपनी उन भुजाओं को ऐसे रख के पानी में और पूरे पानी के नर्मदा के प्रवाह को रोक दिया। अब नर्मदा का प्रवाह इधर रुका तो स्वाभाविक है कि जल का स्तर जो उसके पीछे का भाग वहाँ बढ़ेगा। वहीं रावण पूजा कर रहा था तो थोड़ी देर में, अभी तो रावण की पूजा खत्म हो उससे पहले तो नर्मदा का प्रवाह चूँकि पीछे की तरफ वापस जाने लग गया, तो जहाँ रेती में शिवलिंग की स्थापना की थी, जहाँ बैठ के शिव उपासना कर रहे थे शिव की, वो सब कुछ उनकी सामग्री जो है वहाँ तो बहने की तैयारी होने लग गई। तो नर्मदा को इस प्रकार से विपरीत दिशा में बहता हुआ देख करके रावण को आश्चर्य भी हुआ और रावण को क्रोध भी आया क्योंकि इसकी पूजा में विघ्न पड़ रहा है। रावणो अर्घ्य समाप्तम समुसृज्य नियमम तदा नर्मदा पश्यते एकांतम प्रतिकूलाम यथाभ्याम। जैसे क्रोध आने पे कोई पति अपनी पत्नी को देखता है ना, उसी प्रकार से रावण ने इस प्रकार से प्रतिकूल दिशा में बहती हुई उस नर्मदा को देखा और तुरंत ही शुक सारण की तरफ बिना कुछ बोले उसने इशारा किया है कि जाओ देखो इसका कारण क्या है। तो शुक सारण वहाँ से तुरंत ही जाते हैं पश्चिम दिशा की तरफ। वो जब प्रस्थान करते हैं तो अर्ध योजन मात्रम तो गत्वा तो रजनी चरो, बस आधा योजन दूर गए होंगे। वहाँ जाकर के दोनों क्या देखते हैं, जो दोनों शुक और सारण को भेजा था, पश्यताम पुरुषम तो ये क्रीडंतम सहयोषितम, अपनी पत्नियों के साथ में एक पुरुष जो है उस पूरी नदी के बीच में इस प्रकार से अवगाहन कर रहा है। उस दृश्य को देख करके दोनों को लगा ये है कौन, इतना विशाल का है जिसने पूरे नदी को प्रवाह को रोक रखा है। तुरंत दौड़ के रावण के पास आते हैं और रावण को वो पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। बृहत साल प्रतीकाशः कोप्यसो राक्षसेश्वरा, हे राक्षसेश्वर, जैसे कोई बहुत बड़ा साल वृक्ष हो इस प्रकार की जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने नर्मदा के इस पूरे प्रवाह को रोक रखा है और अपनी पत्नियों के साथ जो वहां पे आनंद कर रहा है उसी का परिणाम है कि यहां जहां पूजा कर रहे थे आपकी पूजा में ये विघ्न खड़ा हुआ है। रावण को भी लगा कि भाई ये अच्छा मौका है, इसके साथ युद्ध करने में मजा आएगा। देखिए ये भी एक नशा होता है, जब व्यक्ति जीतने लग जाता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि हमेशा कोई ना कोई लड़ने वाला मिलता रहना चाहिए। बाणासुर के संदर्भ में कथा मिलती है कि वो पहुंच गया, सबके पास गया, जब कोई योद्धा उसके बराबर का इस पृथ्वी पे नहीं रहा तो शिव के पास पहुंच गया कि मुझसे युद्ध करो। तब शिव ने एक ध्वज दिया, बोले ये ध्वज अपने महल पे लगा दो जाके, जिस दिन ये ध्वज झुक जाए उस दिन समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला कोई पैदा हो गया। यानी युद्धाकांक्षी जो होते हैं उनके शरीर में एक अजीब प्रकार की स्फुरन होती रहती है जब तक कि वो उनकी खुजली को मिटाया ना जाए। तो रावण को ये अच्छा मौका लगा, उसने अपने मंत्रियों से कहा जाओ जो भी वो हो उसको सहस्रार्जुन, जब हजार भुजाओं का वर्णन किया होगा तो रावण को अंदाज मिल गया है और मंत्रियों से बातचीत हुई है उससे पता चल गया, तो बोले उससे कहो जा करके मुझे उससे युद्ध करना है। रावण के मंत्री वहाँ जा करके पहुँचे, रावण भी वहाँ जा करके पहुँचा तो सहस्रबाहु के जो मंत्रीगण जो उसके साथी उसके साथ आए थे वो कहते हैं यह क्षीवम स्त्रीवृतम जैव युद्धम उत्साहिनपुम। अरे अबे हमारे महाराज इस समय खूब नशा वशा करके स्त्रियों के साथ में आनंद कर रहे हैं, हैं? उनको इस समय वो पार्टी के मूड में है आज की सीधी भाषा में कहें, और ऐसे में तुम उनसे युद्ध करना चाहते हो। स्त्री समक्ष गतम यत् तुम युद्धम उत्साहते नृपम। इस स्थिति में जबकि महाराज अपनी स्त्रियों के बीच में आनंद कर रहे हैं तुम्हें इस समय युद्ध करने की पड़ी हुई है। क्षमा स्वाद्य दशग्रीव, हे रावण आज क्षमा करो। उष्यताम रजनी त्वया, आज रात भर तुम सो जाओ। युद्ध श्रद्धा तु यद्यस्ति स्वस्तात समरेच्छ, अगर तुम्हारी बहुत लड़ने की इच्छा है तो सुबह आ जाना, सुबह तुम्हारे युद्ध का इंतजाम कर दिया जाएगा। देखिए जैसा योद्धा होता है उसके मंत्री भी उसी प्रकार के होते हैं, तो सहस्रबाहु कार्तवीर अर्जुन की जैसी भाषा है उसी प्रकार के उसके मंत्री भी भाषा बोलते हैं। तो रावण से कह दिया बस आज रात सो जाओ शांति से, कल उठना और फिर कल आ जाना, अभी अभी हमारे महाराज का इस समय लड़ने का मूड नहीं है, लड़ने का समय नहीं है अभी, तो वो आनंद प्रमोद में है। लेकिन समझ जाए तो रावण के साथ, रावण के मंत्री जो हैं और उसके साथ के जो सैनिक हैं वो सहस्रबाहु के साथ के मंत्री और सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। दोनों पार्टियों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। सहस्रबाहु तो स्नान कर रहा है, उसको तो बेचारे को पता भी नहीं है, लेकिन जब कोलाहल होगा बाहर लड़ाई होगी तो भले आप अंदर स्नान कर रहे हो तो पता तो चलेगा। ऐसे में सहस्रबाहु भी बाहर आता है, फिर एक तरफ हजार बाहों वाला सहस्रबाहु है और एक तरफ 20 बाहों भुजाओं वाला वो रावण है। दोनों के बीच में युद्ध शुरू होता है। जो
महर्षि वाल्मीकि, हम तो यही कहेंगे कि महर्षि वाल्मीकि की रचना है, भले हम उनकी रचना माने ना माने, तो उन्होंने वर्णन लिखा है, सहस्र बाहो तत् युद्धम विंसद बाहोश्च दारुण। भाई 1000 भुजाओं वाले और 20 भुजाओं वालों के बीच में ये अत्यंत भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन जब ये पंक्ति लिखी वहीं ये बात क्लियर हो गई कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आरब्धम रोम हर्षणम, अत्यंत जिसमें रोमांच हुआ है इस प्रकार का दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ है। रुद्र काला भी वह क्रुद्ध तो तदा राक्षसार्जुन, अत्यंत भयंकर रौद्र रूप धारण करके अत्यंत क्रोधित होकर के दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। परस्परम गदाम गृह्य ताड़या मास दुर्भृशम, एक दूसरे को गदाओं से मार रहे हैं, गदा का प्रहार कर रहे हैं। भयंकर युद्ध चल रहा है, काफी देर तक युद्ध चला। इधर सहस्रबाहु अर्जुन ने मौका देख करके और रावण की छाती में जोर से गदा से प्रहार किया है। क्योंकि रावण को वरदान था इसलिए छाती पे गदा पड़ने पे भी रावण की छाती नहीं फटी, ना वो मरा, वो गदा जो है वो टूट गई। लेकिन रावण पूरा हिल गया है। सातु अर्जुन प्रयुक्ते ने गदा घाते ने रावण अपासरद धनुर्मात्रम निस्साद च निष्ठनन। उस गदा के प्रहार से रावण जो है ना एक धनुष पीछे हट जाता है। मतलब इस समय तो ये होता था, योद्धा जब मल्लयुद्ध किया करते थे कि किसी ने किसी को 6 इंच भी पीछे हटा दिया तो बड़ा शक्तिशाली माना जाता था। यहाँ रावण एक धनुष पीछे हट गया है और वो जो चोट पड़ी है उसकी वजह से वो व्याकुल हो गया है। और उसी व्याकुलता का मौका दे करके सब विहोलम तदा लक्ष्य है दशक ग्रीवम तथोर्जुना सहसोत्पत्य जग्रह है गरुत मान्य उपन्न लगा। जैसे गरुण किसी सर्प को पकड़ लेता है इसी प्रकार से उस स्थिति में उस रावण को सहस्रबाहु अर्जुन ने अपनी हजारों भुजाओं से पकड़ लिया है और उसको अच्छी तरीके से बांध करके रावण को अपने यहाँ लेकर के आ गए हैं। महिष्मती नगरी में रावण को बांध करके ले आया है सहस्रबाहु अर्जुन। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं ये समाचार जैसे ही पुलस्त्य ऋषि के पास पहुँचा, अपने पौत्र के प्रति दया आ गई है। माहिष्मती पतिम दृष्टुम आजगा महान ऋषि, तो वो महान ऋषि पुलस्त्य जो हैं माहिष्मती नगरी देखने के लिए वहाँ आके आ जाते हैं या उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। पुलस्त्य इति विज्ञाय वचनाद हैयाधिपति शिरस्य अंजलिमाधाय प्रत्युगच्छत तपस्विना। जैसे ही हैय कुलभूषण कार्तवीर अर्जुन को ये समाचार मिला है कि पुलस्त्य मुनि हमारे यहाँ आ रहे हैं, अपने हाथों की अंजलि बांध के अपने सिर पे अंजलि रख करके और ये सहस्रबाहु जो है वहाँ आकर के पहुँच जाते हैं। उनके आगे आगे अर्घपाद्य मधुपर्क वगैरह लेकर के उनके पुरोहित राजा के आगे आगे चल रहे हैं, जैसे इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हों, इस प्रकार का वर्णन किया है। वहाँ पहुँच करके उन ऋषि को प्रणाम करते हुए उनके दर्शन करके जिस प्रकार से ये अर्जुन बोलता है, आप इसके संस्कार देखिए, अद्यैव अमरावत्या तुल्या माहिष्मती कृता, आज अपने हमारी माहिष्मती नगरी को अमरावती के तुल्य बना दिया है। अद्या हम तु द्विजेंद्रत्वाम यस्मात् पश्यामि दुर्दर्शन, जिसके दर्शन अहोभाग्यों तो ही प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे आपके दर्शन जो आज हमें हो गए, हम तो अहोभाग्य आज हमारी माहिष्मती नगरी जो है ना वो स्वर्ग के समान अहो भाग्यशालिनी हो गई है। आगे कहता अद्य मे कुशलम देव अद्य मे कुशलम मृतम अद्य मे सफलम जन्म अद्य मे सफलम तपः, आज मेरा सब कुछ कुशल क्षेम हो गया है, मैंने जितने व्रत वगैरह किए हैं वो सब मेरे कुशल हो गए, सफल हो गए हैं, मेरा जन्म भी आज सफल हो गया है और मेरी तपस्या भी आज सफल, आज आपके दर्शन हुए तो मेरा यज्ञ यागादि तप जप जो कुछ मैंने अपने जीवन में किया है उस सब का फल जैसे कि मुझे मिल गया हो। यत्र देव गणैः वंद्यो वंदे हम चरणो तव इदम राज्यम इमे पुत्रा इमे दारा इमे वयम, जिन चरणों की वंदना देवता भी हमेशा करते रहते हैं ऐसे आपके अत्यंत अहोभाग्य हमारा कि चरण हमारे यहाँ पड़े हैं, मैं अपने राज्य अपने पुत्र अपनी पत्नी इन सब के साथ में सबको साथ लेके आया आपके चरणों की वंदना करता हूँ। इस प्रकार से अत्यंत आदर सत्कार पूर्वक पुलस्त्य ऋषि का उसने स्वागत किया है।
नरेंद्रांबुज पत्राक्ष पूर्ण चंद्र निभानन अतुलम तेवलम इन्हें दशक ग्रीवस्तुआया जिता। पुलस्त्य ऋषि भी उसको आशीर्वाद देते हैं और उससे कहते हैं कि आपका पराक्रम तो वास्तव में पराक्रम है, क्योंकि आपने रावण पे विजय प्राप्त की जो त्रिलोकी को जीत करके घूम रहा था। नरेंद्र अंबुज पत्राक्ष, हे नरेंद्र, कमल जैसे नेत्र हैं तुम्हारे, पूर्ण चंद्रमा जैसा तुम्हारा मुख है, यानी अर्जुन बहुत सुंदर भी था। और फिर कहते हैं कि इस सौंदर्य के साथ तुम अत्यंत पराक्रमी भी हो जो तुमने रावण पे विजय प्राप्त की है। भयाद्यस्योपतिष्ठेयाम निष्पन्दो सागरा निलौ सोयम मृदे त्वया बद्धा पौत्रो मे रण दुर्जया। थोड़ा रावण का वर्णन करते हुए कहते हैं पुलस्त्य ऋषि कि जिसके भय से सब तीनों लोग भयभीत हैं, यानी सारे देवता। आप पूरी कथा सुन चुके हैं, तो सब जिसके भय से भयभीत रहते हैं उस रावण को तुमने बंदी बनाया है, वास्तव में तुम्हारे पराक्रम को धन्य है। मदवाक्यात् अद्य याच्यमानात् मुंच वत्स दशाननम्। पुलस्त्य ऋषि उसे कहते हैं कि भाई, ये मेरा पौत्र है जो रावण है, मैं आपसे याचना करता हूं कि मेरे कहने से आज आप इस रावण को छोड़ दो। देखिए, रावण युद्ध किया है उसने, एक तरीके से अपमानित किया है, लेकिन ऋषि ने जैसे ये बात कही है, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं पुलस्त्याज्ञां प्रगृहीयाथ अथ, यानी जैसे ही आज्ञा दी है वैसे ही उसको स्वीकार करके ना किंचन वचुर्जुन है, अर्जुन एक शब्द नहीं बोलता है कि कैसे छोड़ दें उसने, तो ये कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोलता है। मोच वही पार्थिवेंद्रो राक्षेन्द्रम पृष्टवत्, और अत्यंत प्रसन्नता के साथ, जैसे आनंद के साथ उसको पकड़ा था उतनी ही प्रसन्नता के साथ, जितनी प्रसन्नता के साथ इन ऋषि का स्वागत किया है उसी प्रसन्नता के साथ वो तुरंत ही रावण को मुक्त करता है। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, वो कहते हैं कि पुलस्त्य की आज्ञा से रावण को सिर्फ छोड़ा नहीं है, उसको आलिंगन दिया है, उसका आतिथ्य सत्कार किया है। परिश्वक्ता कृतातिथ्यो लज्ज मानो विनिर्मिता। लेकिन अब रावण कहीं गले लगने लायक रह गया है क्या है? जिसको बांध के लाया गया, जिसको युद्ध में पराजित किया गया, वो तो शत्रु जो है ना दया के पात्र हो सकता है, बराबरी के पात्र नहीं होता है। लेकिन यहाँ सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन ने, जिसके पितामह इतने श्रेष्ठ हों, ऐसे ऋषि का जो पौत्र है वो भी हमारे लिए श्रद्धेय है, पूज्य है, इस भावना के साथ उसको आलिंगन भी दिया है, उसका और पूजन वगैरह किया है, उसका आगत स्वागत किया है, फिर उसको विदा किया है। पुलस्त्य ऋषि अंत में कहते हैं एवं बलिभ्यो बलिना शंति राघव नंदना। हे राम, इस संसार में कोई कितना भी बलवान हो, लेकिन प्रत्येक बलवान से कोई ना कोई बलवान अवश्य ही होता है। हिंदी में कहावत है कि शेर के सिर पे सवा सिर मिल ही जाता है, प्रत्येक शेर को कोई ना कोई सवा सिर मिल ही जाता है। नावज्ञा ही परे कार्य या इच्छित श्रेय आत्मना। इसलिए जिसको अपना कल्याण चाहिए, जो अपना भला चाहता हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को कभी भी दूसरों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये बात रावण को कौन समझाएगा, तो किस प्रकार से रावण की सहस्त्र बाहु अर्जुन के सामने अवमानना हुई थी, कैसे वो पराजित हुआ था, वो सुंदर कथा सुनाई। अब बाली और रावण की कथा अगले वीडियो में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से बाली ने भी इस रावण को पराजित किया था। धन्यवाद, रम्य रामायण की कथा सुना रहा हूँ। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कार्तवीर अर्जुन किस नगरी का राजा है, किस प्रकार से बंदी बनाया गया रावण, ये सारे तथ्य कहीं आपको नहीं मिलेंगे। या तो आपको पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़नी पड़ेगी, या फिर अगर ऐसे ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ तथ्य आपको जानने हैं तो आपको हमारे वीडियो देखने पड़ेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।